हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल। आज हम लोग उच्चारण स्थानानि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें एक बार व्यंजनों के यदि उच्चारण स्थान के बारे में पता चल जाए कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, जो कि आपके हिंदी ग्रामर में भी काम आएगा और संस्कृत ग्रामर में भी, कि इसकी उत्पत्ति, एक किस व्यंजन की उत्पत्ति या किस स्वर की उत्पत्ति कौन से स्थान से हो रही है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। तो देखिए, वर्णों का उच्चारण करते समय, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ, वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग किया जाता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जीवा मुख के जिस अंग का स्पर्श करती है या जिस स्थान पर प्रयत्न करती है, या फिर यूं कह लो कि वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है, वे अंग उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं, हालांकि पेपर में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपको आना चाहिए, एक तो आप इसकी टेबल बना लेना, ये 9 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे अपनी अपनी ध्यान से टेबल बना लेना, जो इसका उत्पत्ति स्थान है, अगर आपको वो अच्छे से लर्न है तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आइए मैं आपको साथ साथ एक सूत्र बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह से आप अपनी टेबल बना लीजिएगा। आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, क्योंकि मैंने तो पेन से ही कर दिया, थोड़ा जल्दी में हूँ ताकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो ये हमारा क्या है, उत्पत्ति स्थान। अगर आपको ये उत्पत्ति स्थान की टेबल लर्न है तो आप बड़ी जल्दी कर लेंगे। तो ये उत्पत्ति स्थान हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कंठ है, फिर तालु, फिर मूर्धा, उसके बाद अभी मूर्धा जो है ये स्त्रीलिंग है इसलिए मैंने इसमें विसर्ग नहीं लगाए, देन दंताहा, ओष्ठौ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठौ, और उसके बाद दंतोष्ठौ। बस अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आपको सूत्र के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन से व्यंजन का कौन सा उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। तो आइए एक बारी फिर से देख लेते हैं, बोलिए, कंठ है, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठौ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठौ, दंतोष्ठौ। रिपीट करेंगे, कंठः, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठौ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठौ और दंतोष्ठौ। तो जब हमें अगर ये टेबल लर्न है तो हम क्या करते हैं, कंठः जो भी हमारे फर्स्ट नंबर पे आया उसका जो एक सूत्र है वो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें ये सूत्र याद होगा ना तो हम बड़ी जल्दी पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्वर और व्यंजन आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आ कुहु विसर्जना। अब अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं भी होता तो बस आप इतना ही याद कर लीजिए कि आ कुहू
मैं तो यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि पूरा याद करो। मैं तो अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही बोल देती हूँ कि आप को विसर्ज इतना ही लर्न कर लो। यहाँ पे जितने भी आएंगे षष्ठी बहुवचन में आएंगे, इसके साथ हम कंठ भी लिख सकते हैं कि आ कुहू विसर्जय नाम कंठ। इससे पता चलता है सूत्र से कि ये कंठ में जितने भी आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं। आ का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे जो हमारे स्वर व्यंजन जो भी आएंगे, स्वर व्यंजन जो भी आ जाएंगे, अंतस्थ, ये सारे व्यंजन में ही आ गए, अंतस्थ और ऊष्म, राइट। तो ये आ कुहो विसर्जनीया नाम में अब क्या आ गया? आ से क्या मतलब पता चल रहा है हमें? ए और आ, राइट। और कुहू से, कु से मतलब कवर्ग वाली लाइन, क ख ग घ और अना। तो ये जो अना है ये हमारा नासिका में भी जा सकता है। वैसे सभी व्यंजनों का एक ही स्थान होता है, उच्चारण स्थान एक ही होता है, लेकिन ये जितने भी पंचम वर्ण आएंगे यानी कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर, इन इसमें जो भी पंचम वर्ण आएंगे ये सारे हमारे नासिका में भी आ सकते हैं और कंठ में भी। और उसके बाद आया कू के बाद आया ह, तो यानी कि इसमें ह भी आएगा। अब ह किसका है? ये ऊष्म का है। और विसर्ज, विसर्ज का मतलब यानी कि जो विसर्ग है वो भी आएगा, ठीक है। ये मैंने विसर्ग ऐसे लगा दिया, या तो आप इसको ब्रैकेट में लगा सकते हैं कि इसमें इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो आप सभी को लर्न हो गया होगा, फिर से बोलिए, कंठ आ कुहू विसर्ज नियानाम, यानी कि आ से आ, कु से क ख ग ग न, और विसर्ज ह से हा, इसको हलन कर दीजिए, और विसर्ज से विसर्ज। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आया वो सूत्र है ई चू याशा नाम, ई चू यश नाम। अब ई चू यश नाम का मतलब क्या है? तालु, यानी कि इसमें जो आप लिखोगे तालु, तो ई चू यानी कि ई का मतलब है कि कौन कौन से स्वर? ई और ई, ये तो आपको पता ही है कि स्वरों के नीचे हलंत नहीं आता। उसके बाद आया चू, चू का मतलब क्या है? चवर्ग, च छ ज झ और अना, ठीक है। उसके बाद आया य, य शा नाम, यानी कि इसमें क्या क्या आएगा? य आ जाएगा और श आ जाएगा, य और अब ये य जो है वो अंतस्थ का है और ऊष्म का क्या है? श, ठीक। यहाँ पर अब सभी को क्लियर हो गया होगा। तालु में क्या क्या आया? ई चू य श ना, सॉरी, तालु में ही छोटियों की मात्रा आएगी, मैंने बड़े की लगा दी, छोटियों की मात्रा आएगी। ई चू यश नाम का मतलब है ई और ईश्वर आ गया। चू का मतलब चवर्ग यानी कि च छ ज झ न, और य श नाम यानी कि य और श, ये क्या आएंगे? अंतस्थ का और ये ऊष्म का, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि ये सारी कौन सी है? ई चू यश नाम तालु, यानी कि ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। नेक्स्ट आया हमारे पास मूर्धा, जो कि हमारा इसका सूत्र है रिटुर शाणाम, री टू र शा णाम। अगर आपको ये लर्न होते जाएंगे ना तो आप बड़ी जल्दी कर लेंगे रिटुर शाणाम मूर्धा। इससे आपको टेबल भी लर्न रहेगी, और अगर आपको टेबल लर्न हो गई तो आपको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप अपना नंबर वाइज देख लेना, कवर्ग के साथ, चवर्ग के साथ, उसके बाद टवर्ग के साथ। तो रिटुर शाणाम का मतलब है री, और री भी आ सकता है, ठीक है। और टू से मतलब टवर्ग, ट ठ ढ और अणा, यानी कि ये, और ये भी मैंने बताया, ये जो पंचम वर्ण है, ये जो वर्ग के पंचम वर्ण है, ये आपके किस में चले जाएंगे? नासिका में। उसके बाद आया र श नाम, र और श, ठीक है। अब ये र जो है ये हमारा अंतस्थ का है, और श किसका है? हमारा ऊष्म का है। तो इस तरीके से आपको बड़ी जल्दी लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आया दंतहा, तो दंतहा में कौन कौन से आ जाएंगे? लितुल सा नाम, इसका सूत्र देखिए, लितुल सा नाम। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा अपने सूत्र लर्न करने में, लेकिन ये आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे, ओके। तो लितुल सा नाम दंतहा, ओके। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो
लिरी आ जाएगा, ये जो हमारा ह्रस्व स्वर था। उसके बाद तू उसे मतलब तवर्ग, त थ द ध और न, ना हमारा नासिका में भी जाएगा। ठीक है, अब दंता में आ गया लितुल सानाम। अब क्या रह गया इसमें, यहाँ पे क्या क्या आ गया था, य र ल नहीं आएगा, अब हमारा श श स आएगा, ये दे भी रखा है। लितुल सानाम यानी कि स भी आएगा इसमें, स ओके, य र ल भी आएगा क्योंकि हमने ल छोड़ दिया इसमें, ल य र ल ल भी आएगा। लितुल सानाम ये स से पहले आएगा ल, चलिए कोई बात नहीं मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये ला भी आएगा, य र ल नंबर वाइज चलेगा। इससे हम हमें ज़रूरी नहीं कि हम नंबर वाइज देखें, हम सीधा यहाँ से देखेंगे लिरी तुल सानाम, तो यानी कि तू से तवर्ग, ल से अंतस्थ और स हमारा क्या हो गया, ऊष्मा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओष्ठौ। अब ओष्ठौ में क्या आएगा, उपूप ध्य, उपूप क्या था इसका सूत्र, उपूपद मान्य मान्य नाम ओष्ठव, तो इसी में कर दो ओष्ठव। और अगर आप, मैं वैसे बच्चों को एक्चुअली इतना लर्न नहीं कराती, मैं क्या कर देती हूँ, सिर्फ उपूपद मान्य करा देती हूँ, ठीक है, जिससे बच्चों को पता रहे कि इतना लर्न नहीं करना। और उ प से क्या बना, पवर्ग, प फ ब भ और म। अब देखिए यहाँ पे आ गया सारा हमारा, आ गया अंतस्थ का य र ल आ गया, व भी हमारा उसमें चला जाएगा दंतोष्ठों में। और यहाँ पे क्या आ गया, बस इतना ही आएगा इसमें, उ प फ ब भ और म, मा जो है वो हमारा उसमें चला जाएगा साथ में नासिका में। अब नासिका का क्या है, नासिका का क्या है ये आपको लर्न करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या है, न म ग न म ग ण ना नाम, यानी कि ये जो आपके जितने भी पंचम वर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो पंचम वर्ण हमारा क्या है, ये वाला पहले आ रहा है और उसके बाद ये वाला आ रहा है, इसका जो सूत्र है मतलब ये वाला पहले आ रहा है उसके बाद फिर ये आ रहा है, तो ये आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा। बाकी आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सीधा ही नासिका में अंग ज्ञ और अण और ना और ये माँ, ओके। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि इसमें कौन कौन से आएंगे, ठीक है। आगे आया कंठ तालु। अब कंठ तालु का क्या सूत्र है, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, यानी कि अब आपको पता रहेगा कि कंठ तालु में क्या क्या आ रहा है, ए देख रहे हो ना, ए और आई, ए का मतलब ए और आई, बस इसमें और कोई व्यंजन नहीं आएगा। उसके बाद आया कंठोष्ठव, तो इसमें क्या हो जाएगा कंठोष्ठव में, ओ दतौ, ओ दौ तो, ओ दौ तो ओष्ठव कंठोष्ठव, अब इसमें क्या आएंगे, सिर्फ स्वर आएंगे इसमें भी, कौन कौन से, ओ और औ, राइट। अब नेक्स्ट क्या आया, दंतोष्ठौ, तो दंतोष्ठौ में क्या है, वकारस्य, बस वकारस्य दंतोष्ठौ, दंतोष्ठौ, ये तो जितने भी टेबल हैं या लास्ट वर्ड हमने वही लिखे हुए हैं, बस आपको आगे वाले लर्न करने हैं, दंतोष्ठौ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली व व्यंजन जो हमारा रह गया था, ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। उसके बाद आया जीवामूल्य। अब जीवामूल्य का ज़्यादा ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि टेंथ तक तो इतना ही पूछा जाता है, ओके। तो ये आपका क्लियर हुआ, आपको बस टेबल लर्न होनी चाहिए, कंठ है तालु मूर्धा दंता ओष्ठौ नासिका कंठ तालु कंठ ओष्ठौ दंतोष्ठौ। अब इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि छ कौन से वर्ग में आता है, छ वर्ग में आता है, तो यानी कि ईचू यशा नाम तालु,
या कोई पूछ ले कि तालु के कौन कौन से उच्च वर्णों का उच्चारण स्थान में कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता होगा ई ई च छ ज ज न य श, ऐसे वैसे कोई नहीं पूछेगा इतना। लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे पूछ लिया वृक्षा में व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना होगा कि व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ हुए। ओके, ऐसे ही अगर पूछ लिया नाम, नाम में म का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता सकते हो कि उसका या तो नासिका बोल दोगे और या फिर आप क्या बोलोगे ओष्ठव। तो अगर आपने ओष्ठव बोला तो भी करेक्ट है और अगर आपने नासिका बोला तो भी करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार आप वापस से देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको सूत्र बताए हैं। अगर आप सूत्रों को लर्न कर लेंगे तो ये आपको हिंदी में भी हेल्प देंगे और संस्कृत में भी, और ये आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।